नमस्कार, पितृपक्ष के लास्ट सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी एक अमनदीप नाम की लड़की की है जो यूएस में सेटल हो गई थी शादी के बाद, और जैसे ही उसके बच्चे हुए उसके बाद उसके और उसके हस्बैंड में मनमुटाव होने लगा। वो मिड ट्वेंटीज़ कह सकते हैं, मिड ट्वेंटीज़ में थी, और उसने अपने फैमिली से, अपने मायके वालों से बहुत सपोर्ट मांगी। अनफॉर्चुनेटली उसको कोई सपोर्ट मिली नहीं। उस अनजान शहर में ज़्यादा उसके दोस्त थे नहीं, और जो थे वो मतलब के थे। बहुत परेशान थी, और इस परेशानी में कहते हैं ना, भगवान से सच्चे दिल से कोई मांगो तो कोई ना कोई फरिश्ता आ ही जाता है। तो उसके लिए भी एक फरिश्ता आ गया, सिल्विया नाम की एक लेडी जो अपने 50s में थी और मैरिड थी, और बट उसकी कभी कोई बेटी नहीं थी, तो हस्बैंड वाइफ अकेले ही थे। तो एक बार उन्होंने उसको रोते हुए, प्रेयर करते हुए सुना, तो फिर उन्होंने उससे बात की और इंस्टेंट कनेक्ट था दोनों में। खैर, दोनों बहुत खुश रहते थे। वो उनके हस्बैंड से भी मिली और एकदम घर जैसी बात हो गई। उन्होंने दोनों ने हेल्प कराई अमनदीप की कि वो इनसे डाइवोर्स ले सके अपने हस्बैंड से, और डाइवोर्स के बाद उसकी मदद कराई कि अपने घर के पास ही एक घर उनको लेकर दे। खैर, ये तो थी खुशियों वाले टाइम। जब थैंक्सगिविंग आए तो मतलब खाना भी वो दोनों मिलके बनाती थी, और मतलब उनके हस्बैंड के साथ भी वो ऐसे ही मजाक करती थी जैसे उनके फादर। तो काफ़ी मतलब आप समझ लीजिए जैसे घर ही हो गया, वो फरिश्ते जो बन गए वो उसकी फैमिली बन गए। तो जब उसकी बच्चे थोड़े बड़े हुए और उसको एक जॉब ऑफर आया कोलोराडो, उसको शिफ्ट होना था, तो उसने सिल्विया और उनके हस्बैंड से बहुत मतलब दुख हो रहा था उसको कि शिफ्ट होने का, बट इनका आपस में ये पैक हुआ कि एक दूसरे के यहाँ आते रहेंगे, और वो आते भी रहे। बातें फ़ोन पे होती भी रहीं, वीडियो कॉल्स भी होती रहीं। फिर किसी कारण सिल्विया के हस्बैंड एकदम से इस दुनिया से चले गए। सिल्विया बहुत अकेली पड़ गई, पर वो इतनी अकेले भी नहीं थी, क्योंकि अमनदीप ने जिस तरीके से उन्होंने अमनदीप को संभाला था, इस बारी अमनदीप उनको संभाल रही थी। और बट वो इसके साथ ये नहीं चाहती थी कि वो डिपेंडेंट हो जाए अमनदीप पे सिल्विया, इसलिए सिल्विया ने प्रेफर किया कि वो अपने घर पर ही रहेंगी। सिल्विया अब आगे बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, शी वॉज 75। तो 75 साल की उम्र में जब उन्होंने बोला कि भाई अब थैंक्सगिविंग का डिनर है कल, तो तुम फ्लाई करके आ रही हो, तो सिल्विया ने मना कर दिया और कहा इस बार मैं अपनी बहन के साथ थैंक्सगिविंग का डिनर करना चाहती हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। खैर, अमनदीप ने कह भी दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन दिल में उसको बुरा ज़रूर लगा, क्योंकि वो पहला थैंक्सगिविंग का वो होगा जब सिल्विया उसके साथ नहीं है वो ओकेजन पे। उसी रात अमनदीप को सपना आता है कि सिल्विया की सिस्टर उनको फ़ोन कर रही हैं और बता रही हैं कि सिल्विया जो है वो हॉस्पिटलाइज है। वो एकदम घबरा के उठ जाती हैं, वो बहुत फ़ोन करती हैं सिल्विया को, बट सिल्विया फ़ोन पिक नहीं करती। वो उनकी सिस्टर को फ़ोन करती हैं, सिस्टर भी फ़ोन पिक नहीं करती। दिल घबराता है, बहुत दुखी होती हैं, बहुत परेशान हो रही होती हैं। उसी दिन शाम को जो उन्होंने सपने में देखा था वो सच हुआ, उनको फ़ोन आया उनकी सिस्टर का। और वो दिल में जब जा रही थी सिल्विया से मिलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि भाई मैंने ये सोचा था कि हम रिटायरमेंट में इकट्ठे रहेंगे और आप मेरे बच्चों को भी देखोगे और मेरे बच्चे आप में दादी माँ ढूंढते हैं। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी। जब वो वहाँ पहुँची तो डॉक्टर ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था, एंड दे वर वेटिंग कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सिल्विया कभी जा रही थी आ रही थी, जा रही थी आ रही थी। तो वो वहाँ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वहाँ पे प्रेयर कर रही थी कि भगवान प्लीज सिल्विया को ठीक रखना और वो ठीक हो जाए। बट कहते हैं ना, जब भगवान ने तय कर लिया है कि आपको लेके जाना है तो लेके जाना ही है, फिर उसके आगे इंसान की कुछ नहीं चलती। हम तो सिर्फ कट दिया है जो अपना खेल खेलने आए हैं इस दुनिया में। खैर, अमनदीप ने जब वो ये प्रेयर कर रही थी, उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड क्रिस जो हैं वो सिल्विया के रूम में जा रहे हैं,
और वो एकदम उनको झटका लगा और वो जैसे ही उन्होंने ब्लिंक किया वो उनको नहीं दिखे, तो वो शायद समझ गई मन में कि अब इनका टाइम आ गया है जाने का। खैर बहुत रो रही थी उस टाइम पे वो, और फिर उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स रश कर रहे हैं, नर्सेस रश कर रहे हैं उनके रूम में और उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, बट वो नहीं आई, रिवाइव नहीं हो पाई। और उनको एक झलक दिखी कि क्रिस के साथ सिल्विया जा रही हैं और इनकी तरफ देख के बाय बाय ऐसे कह रही। खैर वो बहुत रोई, अपने आप को उन्होंने बहुत पनिश भी किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रही थी कि भाई ये अगर मैं सिल्विया के साथ होती तो शायद वो बीमार ना पड़ती, मुझे बच्चों की पढ़ाई इतनी देखनी थी, मैं बच्चों को शिफ्ट कर लेती वापस। पर अपने आप को दोष जब वो देती रही और ड्राइव कर रही थी, जब वो अपने आप को दोष दे रही थी तो उनको एकदम फीलिंग ऐसी आई कि कोई पीछे बैठा है। तो उन्होंने बहुत सोचा कि मैं अब क्या करूं, गाड़ी साइड पे लगाऊं, पुलिस को फ़ोन करूं, क्या करूं, क्योंकि एक फीलिंग आई कहीं चोर तो नहीं है, कहीं वो गाड़ी चुराने के चक्कर में या पैसे चुराने के चक्कर में पीछे बैठा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी अभी साइड पे लगा के पीछे मुड़ के देखा तो उनको सिल्विया और उनके हस्बैंड बहुत खुश दिखे। वो देख सकती थी कि क्रिस जो उनके हस्बैंड हैं वो काफ़ी, और दोनों सिल्विया भी, दोनों काफ़ी यंग हैं और क्रिस काफ़ी कंटेंटेड है, जबकि सिल्विया अभी भी बहुत थकी हुई सी है। और वो एक मिनट के लिए उनको दिखाई दिए और वो गायब हो गए। जैसे ही वो गायब हो गए उनको कॉल आता है सिल्विया की सिस्टर का और कहा कि तुम जल्दी में चली गई, तुमने मुझसे बात नहीं की और मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि सिल्विया जाने से पहले ये कह गई कि तुम में उसको अपनी बेटी दिखती है और वो अगर इस दुनिया में नहीं भी रही तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये सुनकर मंदी बहुत रोई और आज भी उनको कई बारी क्रिस और सिल्विया की प्रेजेंस महसूस होती है जब भी वो किसी दुख और तकलीफ में होती है। तो हमारे पूर्वज भी या हम इन फरिश्तों को कह लो या जिनसे हम प्यार करते हैं वो सिर्फ फिजिकली गायब हो जाते हैं क्योंकि उनकी डायमेंशन चेंज हो जाती है, वो स्पिरिचुअली हमारे साथ रहते हैं और टाइम टाइम पे हमको दिखाते रहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, रुको मत। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको या आपकी किसी अपने की हेल्प करेगी। पितृपक्ष स्पेशल आज समाप्त होता है, अब से हम हर फ्राइडे मिला करेंगे अपनी पंचतंत्र की कहानियों के साथ जिसमें एनिमल्स भी होंगे, इंसान भी होंगे और खूब सारे मज़ेदार लेसन्स भी होंगे। तो अगर आप चाहते हैं किसी और तरीके की स्टोरीज भी मैं सुनाऊं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट में लिखिए और मैं ज़रूर उस पर रिसर्च करूंगी और आपके लिए स्टोरीज लेके आऊंगी। तो फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार, तब तक के लिए नमस्कार।